13 अगस्त को जन्मे व्यक्ति सिस्टम की चिंता करने वाले लोग हैं, लीक से हटकर चलते हैं, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, यहां तक कि जीवन के प्रति इनका अलग ही दृष्टिकोण होता है। इनकी हाजिर जवाबी और इनका मुंहफट स्वभाव अपने शत्रु बनाने के लिए काफी है। इन सब के बावजूद ये लोग अपने ही धुन में व्यस्त रहते हैं, अपने काम के प्रति निष्ठावान हैं, अति महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी, जिद के पक्के और साथ ही लीक से हटकर किए गए कार्य इन्हें सफलता की ऊंचाई पर भी अवश्य लेके जाते हैं। इन लोगों की लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी काम होते हैं, अचानक से ही होते हैं। बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, दिखने में बेहद स्मार्ट, बातचीत में कुशल, लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। विपरीत लिंगी इनकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, इन्हें अपने मित्र या पार्टनर के रूप में पाने की इच्छा रखते हैं। ये लोग बिना बात के तर्क वितर्क करने वाले लोगों को ये पसंद नहीं करते हैं। हेल्पफुल है, इंटेलिजेंट है, विद्यार्थी लोग अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो उसमें उत्तीर्ण होते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हैं। इनकी मित्र मंडली भी काफी अच्छी होती है, लेकिन जितनी तेजी से इनके मित्र बनते हैं उतनी ही तेजी से इनके मित्रों के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। विवाहित जीवन इनका कलापूर्ण ज्यादा निकलता है, जीवन साथी की सेहत भी खराब रहती है, अकेलापन इनके जीवन में बना रहता है। 14 से 16 वर्ष की आयु में इनकी पढ़ाई में रुकावट भी देखने को मिलती है, अक्सर ऐसे बच्चे भटकते हुए देखे हैं, उनका खराब प्रदर्शन रहता है, लेकिन जल्दी ही उसे कवर अप भी कर लेते हैं। ये लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी ये लोग आगे रहते हैं। ये लोग अपने काम में हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नौकरी हो या बिजनेस दोनों में ही ये लोग सफल रहते हैं। 13 अगस्त को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 4। 4 का अंक यानी कि राहु की एनर्जी। आज के इस युग में राहु धन संपदा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप लोगों को इस 4 के अंक की एनर्जी की तो मिलती ही है, साथ में 1 और 3 के अंक की एनर्जी भी शामिल है। 1 का अंक सूर्यदेव और 3 का अंक गुरु बृहस्पति। सूर्य और गुरु दोनों की एनर्जी मिलने से यहाँ पर राहु की उत्पत्ति हुई है। सूर्य और गुरु दोनों ही सात्विक ग्रह हैं, राजसी ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जबकि राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम की स्थिति देता है, जिस कारण आप लोगों को भी भ्रमित अवस्था में ज्यादा देखा गया है। आप लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, काम को आप बहुत ही यूनिक तरीके से करना चाहते हैं, आपकी कमांडिंग नेचर है, इंटेलिजेंट बहुत हैं, पेशेंस के कारण आप लोगों को प्रभावित भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहना, क्यूरियोसिटी बहुत होती है आपके अंदर कुछ भी जानने की, लेकिन राहु के शंकालु स्वभाव होने के कारण, भ्रमित होने के कारण समय पर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। बहुत ही शंकालु हो जाते हैं और इतने हो जाते हैं कई बार कि नेगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए आप में नेगेटिविटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप 13 अंक वालों को इस पर काम करना चाहिए, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव में रखना चाहिए, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको सूर्य और गुरु से मिलने वाली एनर्जी को बहुत तेजी से ग्रहण करना चाहिए और अपनी लाइफ में, जिस कारण आप एक नई दिशा प्रदान कर पाएंगे। आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होती, नाम मान सम्मान सब कुछ होता है आपके पास, लेकिन फिर भी आपकी किसी से नहीं बनती, हर बात में आप अपना कंट्रोल चाहते हैं, बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, इसीलिए अकेलेपन की शिकार भी रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और अग्रेसिव होकर कोई ना कोई रिएक्शन कर जाते हैं, फिर आप इम्पेशेंस हो जाते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहती है। आपको यहाँ समझना होगा कि राहु कलयुग का राजा है, अगर आप अपने राहु को बैलेंस कर लेते हैं तो इस भौतिक जीवन में धन देने वाला ये सबसे एकमात्र अंक है। आपको यहाँ अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, पेशेंस रखनी होगी, अपने प्रियजनों अपने पार्टनर को स्पेस देना होगा। 13 का ये अंक सत्ता और संपन्नता का सूचक है। 13 का ये अंक योजनाओं और स्थान परिवर्तन का भी सूचक है। 13 का ये अंक व्यक्ति को अज्ञात और अप्रत्याशित घटनाओं की चेतावनी भी देता है। जिनका जन्म का अंक 13 है उनके जीवन में उथल पुथल बहुत रहती है, लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं, अपने भीतर बहुत से रहस्य समाये रखते हैं। 13 का ये अंक उत्थान और पतन दोनों का ही सूचक है।
अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो विनाश हो जाएगा, और अगर इस अंक को समझ लिया, इसका सदुपयोग किया तो अवश्य ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए 13 का ये अंक अत्यंत शुभकारी माना जाता है। 13 अगस्त को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है सिंह, जिसके स्वामी है सूर्य देव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य सिंह राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य कर्क राशि का है तो आपको मेरी 13 जुलाई वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य कन्या राशि का है तो आपको 13 सितंबर को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये सूर्य राशि से हम भली भांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी को ध्यान में रखकर करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए हम सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 से 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 13 अगस्त को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर सूर्य और राहु का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा तेज बल पराक्रम साहस है, हमारे उत्साह को दर्शाता है। सूर्य एक राजसी ग्रह है और दूसरी ओर राहु एक क्रूर ग्रह है, छाया ग्रह है। जहां सूर्य जातक को मान सम्मान यश कीर्ति दिलवाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहु पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मों को दर्शाते हैं जो कि इस जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो सूर्य और राहु का मिलन आत्मा और कर्मों का मेल है। एक तरफ सूर्य जहां प्रकाश देता है, हमारे जीवन में उजाला लाता है, एक सात्विक ग्रह है, वहीं दूसरी ओर राहु अंधकार है, एक तामसिक ग्रह है। सूर्य धर्म है, नीति है, तो राहु अधर्म अनीति का साथ देता है। सूर्य देव है तो राहु असुर है, लेकिन फिर भी दोनों ही ग्रह राजनीति और दार्शनिकता के कारक माने जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य और राहु अच्छी और मजबूत स्थिति में है तो जातक की इनकम और उसके व्यवसाय के साधनों में बढ़ोतरी करवाते हैं। सूर्य की रोशनी और राहु द्वारा दी गई बुद्धि व्यक्ति को उच्चतम स्तर पर चमकाने का काम करती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, अति आत्मविश्वासी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपनी तारीफ सुनने के लिए ये इच्छुक रहते हैं, सारी वर्जनाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। साम दाम दंड भेद इन्हें चाहिए ही चाहिए। विदेशी भूमि के द्वारा सफलता ज्यादा अर्जित करते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पर हो सकता है, सरकार में या फिर सरकारी अधिकारियों से इसके अच्छे संबंध होंगे। ऐसा व्यक्ति सलाह लेकर अगर काम करता है तो अवश्य सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को फिर घर परिवार रुपया पैसा प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी समस्या नहीं आती। इज्जत मान सम्मान इन्हें भरपूर प्राप्त होता है, क्योंकि अच्छा राहु सूर्य का ही दूसरा रूप है। यहां पर राहु सूर्य के पलों में 4 गुना बढ़ोतरी करता है। वहीं दूसरी ओर राहु अगर खराब हो जाए तो इन्हें कोई सुख नहीं मिल पाता। घर परिवार में नित नई परेशानियां खड़ी रहती हैं, भ्रम की अवस्था में ज्यादा रहते हैं, अचानक से परेशानियां आती हैं, चोट एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, इन पर एलिगेशन लगते हैं, बीमारी अगर पकड़ ले तो डॉक्टर को भी आसानी से समझ में नहीं आती है, अपनी शिक्षा का भी इन्हें कोई खास फायदा नहीं मिलता है,
पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा झगड़े का कारण बन सकता है, पिता से मन मुटाव रह सकता है। ऐसा व्यक्ति खुद ही अपने कर्मों से अपने लिए परेशानियां खड़ी करता रहता है, अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार समझता है, अपने आगे ना तो किसी की सुनता है, अपने आप को ही परम ज्ञानी मानने लगता है। समाज में भी इन लोगों को फिर मान सम्मान नहीं मिलता है। पिता के स्वास्थ्य की तो हानि होती ही है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, जातक की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। सूर्य व्यापार का कारक भी है, ऐसे जातकों को व्यापार में बहुत ज्यादा मेहनत संघर्ष करना पड़ता है, कड़े परिश्रम के बाद ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाते हैं। नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है, सरकारी कार्यों में बाधाएं आती हैं, कोर्ट केसेस तक हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, सहयोगियों से अनबन बनी रहती है, मन मुटाव बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा है और राहु उसकी ऊर्जा को यहाँ पे ग्रहण लगाने का काम कर रहा है, जिस कारण जातक के जीवन में भी ऊर्जा की कमी बनी रहती है, क्रोध की अधिकता ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्तियों को पिता के सुख में तो कमी रहती है, संतान से भी सुख में कमी रहती है। जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है, यहाँ तक कि पत्नी गुप्त रूप से संतान प्राप्ति के उपाय भी करती रहती है। ऐसे व्यक्तियों का आत्मविश्वास या तो ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे या फिर आत्मविश्वास की कमी रहेगी, भ्रमित अवस्था में ज्यादा रहेंगे, लोगों का भला करने पर भी भलाई इनको नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के पिता भी जिद्दी होंगे, अहंकारी होंगे, शक्ति स्वभाव के होंगे। एक्चुअली यहाँ पर राहु सूर्य के साथ होने का पूरा पूरा फायदा उठाता है, वो अपने आप को ही राजा समझने लगता है, ईगो प्रॉब्लम्स देने लगता है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बना देता है, अपने आप को जीनियस समझता है, चाहेगा कि सब उसके आगे झुकें, अपने आप को परमात्मा की जगह मानने लगता है। यहाँ राहु सूर्य की पॉजिटिविटी को दूषित कर देता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से देखने में कुछ और भीतर से कुछ और होगा। लोगों के सामने अपने आप को न्यायप्रिय, उदार, दानी, राजा के समान दिखाएगा, लेकिन असल में वो सिर्फ एक दिखावा मात्र होगा, बिना स्वार्थ के किसी और के काम भी नहीं आएगा। सूर्य राहु अगर सप्तम भाव को देखेंगे तो तलाक की स्थिति तक खड़ी कर सकते हैं, धन की कमी इन्हें परेशान कर सकती है, गरीबी तंगहाली में इनको गुजारा करना पड़ सकता है। दिल्ली में आपके सूर्य और राहु की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका सूर्य कैसा है, आपका राहु कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब सूर्य और राहु के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को अपने पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उन्हें यथासंभव मान देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर ही अपने सभी कार्य पूरे करने चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह मशवरा भी करते रहें, उनसे विचार विमर्श करके ही अपने काम को करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही सूर्य उपासना करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, सूर्य नमस्कार करें, कांसे के बर्तन में पानी पिए। इन सब के बावजूद अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाएं, आपको कोई दिशा ना मिल रही हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 6 और 8। 6 का अंक शुक्र का और 8 का अंक शनिदेव का। आप लोगों के सम अंक हैं 3, 5 और 7। 3 का अंक गुरु का, 5 का अंक बुध और 7 का अंक केतु का। आपके शत्रु अंक होते हैं 1, 2 और 9। 1 का अंक सूर्य देव, 2 का अंक चंद्र और 9 का अंक मंगल देव का। आप लोगों की शुभ तिथि है 4, 13, 22 और 31 तारीख। इसके साथ ही 6, 15 और 24। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे। आपके शुभ रंग होते हैं डार्क ब्लू कलर, ग्रे कलर, ब्राइट कलर्स, चमकते नीले रंग, चमकते कलर जो भी हैं। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जुलाई से 27 अगस्त के मध्य जन्मे लोग। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 जनवरी से 27 फरवरी, 21 अप्रैल से 27 मई, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में
चार 13 22 या फिर 31 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो यह भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड है। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुणी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।